गाड़ी चेक करें, ओए होए होए माशाल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। यार मैं आज व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ विहाड़ी से। रात अम्मी के कज़न वगैरह आए हुए थे तो उनके साथ मैं आ गया था विहाड़ी। उनको रास्ते का भी नहीं पता था, वैसे भी थके हुए थे, तो मैंने गाड़ी चलाई उनकी, तो मैं उनके साथ आ गया। जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि हम लोगों ने नूर से भी जाना है, तो इधर से नूर से चला जाऊंगा। रेडी शेडी हो गया हूँ। हसनैन भी आ गया लाहौर से, सीवी के लेके थोड़ी मॉडिफाई भी करवाई है, वो भी चल के देखेंगे। तो वहाँ से हाँ भाई करवाई है, हाँ मॉडिफाई करवाई है। तो नूर से फिर हम हसनैन के साथ ही वापस जाएंगे अपने घर। तो फिलहाल यार मैं सुबह सुबह ना नहा धो के कंघी देने के लिए आया उस्मान की ड्रेसिंग पे, तो ये देखे अचानक ही मेरी नजर पड़ी इस गंदी सी तस्वीर में। मैं गया ये कौन सा फिर मैं इधर आके बैठा रेडी हो गए, फिर मैंने यहाँ पे देखी तो यार कोई बंदा तस्वीरें तो अच्छी लगा लेता है ना, पूरे कमरे को ना खराब किया हुआ सिर्फ दो तीन तस्वीरों से यार। तो खैर एनीवेज वेलकम बैक हो गया तुम सबका अंदर ब्लॉग के अंदर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो अभी सब लोग रेडी हो रहे हैं तो फिर निकलते हैं नूर शाह। यार सुफियान आ रहा है नीचे से, मैं दरवाजे के पीछे चुपके से डराते हैं। इधर रह गया, अभी आता है तो आने वाला हूँ। आ रहा है सुफियान आ रहा है, डराते हैं। यार दोनों गाड़ियां हमने बाहर खड़ी कर दी थी क्योंकि गैराज की सफाई करनी थी। एक खड़ी है ये, दूसरी खड़ी है वो। ये है मामू के कज़न की, वो मामू की। तो यार हम बच्चे बच्चे जा रहे हैं मामू के कज़न की गाड़ी पे। बाद में मामू के कज़न और मामू वगैरह खुद आ जाएंगे दूसरी गाड़ी पे, मामू की गाड़ी पे। क्या कहना चाह रहे हैं भाई आप? अभी तो हम बच्चे बच्चे जा रहे हैं इस गाड़ी पे, सो इसमें बैठते हैं। मैं कल रात जिंदगी में पहली दफा ऑल्टो में बैठा हूँ, ड्राइव करके आया हूँ जिंदगी में पहली दफा। क्या हुआ? डिक्की में रख दो ना इसको। तो यार फिलहाल बैठने लगे हैं गाड़ी में, तो चलते हैं नूर शाह। तो मिलता हूँ आपको नूर शाह चल के। A few moments later. तो यार फाइनली हम लोग थोड़ी देर पहले नूर शाह पहुंच आए थे। अभी बैठे हैं जी बर्थ के अंदर, जानी है बर्फ शर्फ लेके आते हैं क्योंकि यार काम शाम करने पड़ते हैं, तो बर्फ लेके आते हैं। मेरे साथ है उस्मान शाह पोलू पोलू तो अभी जाके बर्फ लेते हैं। मेरी मर्जी, मेरे कजन का वो एक टाइप का दावत है तो मैं क्रीम में ना लगाऊं यार। इसके कजन का दावत है यार। बर्फ वगैरह लेके फारिग हो गए हैं अभी यार, काफी ज्यादा मेहमान वगैरह इकट्ठे हो रहे हैं। उस्मान कह रहा है कि मैं ढोल वाले को बुलवाऊंगा, थोड़ा ढोल शोर बजवाऊंगा। पता नहीं अब क्या बनता है, मंगवाता है यानी अभी थोड़ी देर तक पता चलता है कि ढोल वाले को बुलवाएगा या नहीं। यार फाइनली आ गया स्नेह लाहौर से और गाड़ी चेक करें, ओए होए होए माशाल्लाह। माँ खूब मॉडिफाई करवा के आया है यार, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अभी आया तो इस पर जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद लुटन। ओए होए माशाल्लाह यार, लेवल की लग रही है, लेवल की भाई। अभी अंदर चल के दिखाता हूँ उसने क्या क्या करवाया है। अंदर भाई बैठा है उस्मान शाह। अस्सलाम वालेकुम सर, सारी गड्डी तू ही बहना है, ऐसी मेरे साथ चलाता है, गजब बेइज्जती है। तो बाकी ये रेड रेड भाई उसने काम करवाया यार, लेवल का करवाया, बहुत प्यारा लग रहा है यार, माशाल्लाह भी लिख देना भाई। A few moments later. सिर्फ 10-15 मिनट का काम रह गया नूर शाह में, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर। ये खड़ी है हमारी स्कर, इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कहा नहीं जाता, खोलता हूँ, सब्र तो करो। जैसे वो कहते हैं ना फौरी काकू भाई हैं, काकू भाई की गाड़ी है स्कर, तो ये भी मुझे उसी की तरह लगती है, तो मैं इसको स्कर कहता हूँ। फिलहाल यार वो काम मुका के आते हैं तो फिर चलते हैं घर। पहले आके बैठ जाते हो पहले। यार मैं आ गया था घर, अभी जाना है यार पिज़्ज़ा वगैरह बनवाने, कुछ चीज़ें लेनी है, सो सिविक को लेके चलते हैं, चीज़ें चूज़ें लेके आते हैं, फिर आके सोना भी है क्योंकि भाई थके हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा यार।
मैं फिलहाल खड़ा हूँ ईट्स एंड ड्रिंक के बिल्कुल सामने, तो ऑर्डर मैंने दे दिया पिज्जे का, तो ज़रा आता है तो फिर लेके चलते हैं घर, उसके बाद ज़रा यार रेस्ट करते हैं। और यार माशाल्लाह से यार ये लाइट माशाल्लाह से यार बहुत लेवल की लग रही है। A few moments later, सामान लेके फाइनली अभी आ गया हूँ घर, तो काफ़ी ज़्यादा थका हूँ क्योंकि यार आज सारा दिन नूरशे में ही गुजर गया, और मुझे पता है कि आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा छोटा है क्योंकि यार आज सारा दिन कुछ किया ही नहीं, सारा दिन नूरशे में वेले पड़े रहे, जितना बस बन सका व्लॉग मैंने ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। सो यार आगे लंबे लंबे इंशाल्लाह व्लॉग आएंगे, शायद मैं कल परसों तक लाहौर परमानेंट शिफ्ट हो जाऊँ, अभी तक कोई पता नहीं, तो ये अपडेट मैं आपको कल या परसों दूंगा। फिलहाल आज का व्लॉग करते यहीं पे एंड, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, नहीं भी आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। एनर्जी बिल्कुल ख़त्म है क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, तो मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़। Yeah.